बात सुनो भाई, कित गा नसीब है। हाँ भाई, नसीब है। प्रदीप आ गया, तू आ गया, दो सदर के आ गए, इनके सारे की फोटो कॉपी ले। साहब जी अपना आधार कार्ड देखो। हाँ अजी दिखा दिए ना, ना बहुत ज्यादा हमने तो और ये दिखाऊंगा, आ जाओ दिखा पुरानी की ये मत है साइकिल पे लाए ना तो जाए है या सुन ही मेरा 2008 की आरसी पड़ी हुई है 15 साल के लिए वाली रुका है देख 15 साल का कौन सा है वो दे रहा कौन सा है भाई टियर दे दो मारा कुलदीप की दुकान सारा छाया मार जाओ पीछे जाने का रास्ता किस साइड को है आगे से वो तो आज फिर उस साइड आ जाओ यारो तेरी भी कम नहीं कम मिली बस इसमें आ जाओ दे समझाओ ना वो निकले 2 बजे कोई और डाटा देना मैडम जी, इसलिए मैं पहले चलो आज सर्च अभियान चला गया है। क्या उद्देश्य है, क्या कहना? मौजूदा हालातों को देखते हुए एएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। इसमें सिविल लाइन एसएचओ और सदर एसएचओ सिविल लाइन
और गुप्तचर विभाग की इकाई सभी के साथ मिलके और यहाँ सर्च अभियान शुरू किया गया, जिनकी आईडी और वेरीफाई की गई है, ताकि ऐसे समय में किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग या कोई शरारती तत्व आके आना रहे, वही हमारा उद्देश्य है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। सरोज जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पहले भी अभी यहाँ लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, जो बार बार उनको चेकिंग की जाती है, क्योंकि दौरान ऐसे तो कोई हमें संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिले, फिर भी उनकी सुरक्षा के जरिए देखा जाए तो हमें बार बार यही है भाई ऐसी कोई आगे समस्या क्रिएट ना हो, इसलिए हमारा यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो लोग हैं कोई भी नया आदमी आवे तो उनको इस प्रकार से समझाया गया भाई, कोई किसी प्रकार का अननाउन आदमी आता है तो उसको उससे को पूछो कैसे आया है, क्या लेने आया है, किस टाइप का, वो पुलिस को सूचित करे। तो क्या लगता है? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई क्या था कोई क्रिमिनल आदमी आके यहाँ घुस जाए तो नुकसान तो हो ही सकता है, इसलिए हम यहाँ सर्च अभियान शुरू कर रहे हैं। तो लगातार जारी रहेंगे? बिल्कुल, समय समय पर जैसे भी टाइम लगता रहेगा, और तो हम ये सर्च अभियान शुरू किया गया है और करते रहेंगे।